क्या बनेगा बड़ा होकर? वो कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? जानता हूं, बाहर एक बेरहम कंपेटिटिव दुनिया फंसी है और इस दुनिया में सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स उगाने हैं। हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, इससे कम तो बर्दाश्त ही नहीं। 95.5%, 95.6%, 95.7%, इससे कम तो गाली के बराबर है। क्यों? अरे जरा सोचो, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है। लेकिन नहीं, हर उंगली को खींचकर लंबी करने में लगे हैं सब। लगे रहो, चाहे उंगली क्यों ना टूट जाए। नो ऑप्शंस कहता है, नो ऑप्शंस, कोई चारा नहीं। अरे घोड़े दौड़ाने का इतना ही शौक है तो ब्रीड रेस हॉर्सेस, डैम इट, बच्चे की पैदा करते हो। अपनी एम्बिशंस का वजन अपने बच्चों के नाजुक कंधों पर डालना, शह, इट्स वर्स देन चाइल्ड लेबर। और बच्चा वजन उठा नहीं पाया तो कब समझेंगे कि हर बच्चा अपने हिसाब से वजन उठाता है? आज नहीं तो कल सीख ही जाता है। अपनी अपनी रफ्तार होती है, पांचों उंगलियों का हाथ बनता है। हमें नन्हे मुन्ने को मेन स्ट्रीम में सेटल करने के सपने देख रहे हैं।